गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ वंदा देवांगन। टुडे टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण की प्रक्रिया और अधिगम। आज का टॉपिक है शिक्षण की प्रक्रिया। हम आज पढ़ेंगे शिक्षण की प्रक्रिया क्या होता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ बालक को शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है, शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब बालक को क्या करना, शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना क्या होती है, अधूरी होती है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया के बिना अधिगम जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। शिक्षण और अधिगम में गहरा संबंध होता है। मतलब शिक्षण और अधिगम के बीच में, एक दूसरे के बीच में गहरा संबंध होता है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। मतलब इसमें तीन अंग होते हैं, कौन कौन से, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये इन तीनों अंग के द्वारा ही क्या होती है, शिक्षा की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। शिक्षण क्या है कि शिक्षण के मध्य शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती, शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती। और यह अंतःक्रिया जो होती है पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, किसी न किसी प्रकार के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया इन तीनों के बीच बिना क्या नहीं, पूरी नहीं हो सकती। अगर शिक्षक हो, छात्र हो, लेकिन अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर शिक्षक नहीं हो, छात्र और पाठ्यक्रम हो, तो भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में है थाइंस के अनुसार अधिगम में वृद्धि। थाइंस के अनुसार क्या है, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण कहलाता है। मतलब शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम में वृद्धि करना, सिखाना, बच्चों को क्या करना, उसको सिखाना। फिर शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सिखाता है। मतलब शिक्षण एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सिखाता है। एक व्यक्ति कौन, शिक्षक, और दूसरा व्यक्ति कौन, छात्र। मतलब शिक्षक के द्वारा क्या होता है, छात्र को क्या कर किया जाता है, सिखाया जाता है। यह क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा है कि शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षा होती है। कैसे होती है औपचारिक और अनौपचारिक, जब बालक जन्म लेता है तो वो जन्म लेने से ही क्या होता है, उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। मतलब वो लर्निंग स्टार्ट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तब क्या होता है, उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और लर्निंग से ही उसका क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो क्या करता है, परिवार से शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार में कहाँ से शिक्षा प्राप्त, किससे शिक्षा प्राप्त करता है, माँ से। माँ क्या करती है, बालक को शिक्षा प्रदान करती है। जो माँ के द्वारा बालक को जो शिक्षा दी जाती है उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है और बड़े होने के बाद क्या होता है, वो विद्यालय में जाता है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में किससे शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षक से। और जब वो शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है तब उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक। चाहे वो परिवार में शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वो बाहर समाज में शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे, इस शिक्षा की प्रक्रिया के लिए शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु का होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।